पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इकोसिस्टम क्या होता है और कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, इकोसिस्टम की क्या स्ट्रक्चर है। तो देखिए, किसी इकोसिस्टम के निम्नलिखित दो घटक होते हैं, कौन? एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। हमने पहले भी पढ़ा है किसी भी इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? तो जिसमें जीवन नहीं होता है, यानी जो जीवित नहीं होते हैं, जो लिविंग बीइंग नहीं होते हैं, नॉन लिविंग बीइंग होते हैं, तो वो क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट, जो जीवित होता है वो क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट। देखिए, बायोटिक कंपोनेंट को तीन वर्गों में बांटा गया है या तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। अब वो कौन कौन? तो बायोटिक कंपोनेंट को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है, कौन कौन? फिजिकल एनवायरनमेंट, न्यूट्रिएंट्स और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है, अब हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, भौतिक वातावरण क्या होता है, ये हम देखते हैं। तो देखिए, फिजिकल एनवायरनमेंट या भौतिक वातावरण के अंतर्गत मृदा यानी सोयल, जल यानी वाटर तथा एयर सम्मिलित हैं, या इसके अंतर्गत हम कहें कि सोयल, वाटर या एयर सम्मिलित हैं या आते हैं, या हम कह सकते हैं कि सोयल, वाटर और एयर क्या हैं? फिजिकल एनवायरनमेंट हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था इकोसिस्टम क्या होता है, तो जब कम्युनिटी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करती है तो एक सिस्टम बनाती है जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो फिजिकल एनवायरनमेंट क्या क्या हो गए? तो सोयल, वाटर, एयर इत्यादि। ठीक है, ये सभी क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट। अब सेकेंड है आपका न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी कि पोषक। तो सेकेंड है न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए, इस न्यूट्रिएंट्स को दो समूह में बांटा गया है, और वो कौन कौन है? तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि अकार्बनिक पदार्थ, जनरली आप लोग जानते हैं कि वैसे सब्सटेंसेस जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो तो उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि। ये सभी क्या हैं? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इकोसिस्टम में पाए जाते हैं जिसका चक्रण होता है, यानी कि साइक्लिंग होता है। हम देखते हैं कि इसका साइक्लिंग कैसे होता है। देखिए, ये पोषक तत्व जीवों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और इनका यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या सॉरी इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो जीवों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, और उससे क्या बनाते हैं जीव? तो उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसमें साइक्लिंग कैसे होता है। तो जीवों की मृत्यु एवं अपघटन से ये पदार्थ पुनः मृदा एवं वायुमंडल में वापस आ जाते हैं। हमने देखा कि वायुमंडल से जीव क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ग्रहण करते हैं, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके अपघटन के बाद ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पुनः वायुमंडल में चले जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का साइक्लिंग होता है, या हम कहें चक्रण होता है। सेकेंड है आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। न्यूट्रिएंट्स को दो समूह में बांटा गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जिसमें से हमने इनऑर्गेनिक पढ़ लिया, सेकेंड है ऑर्गेनिक। तो वैसे पदार्थ जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कार्बनिक पदार्थ।
तो जैसे कौन कौन हो गए, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सभी क्या हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड इत्यादि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इकोसिस्टम के जैव और अजैव घटकों को जोड़ने वाली कड़ी का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं, इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को जोड़ने का कार्य करते हैं। एबायोटिक फैक्टर का थर्ड ग्रुप है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? तो देखिए, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इत्यादि मिलकर जलवायु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सभी हैं आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यानी कि वो जलवायु को या क्लाइमेट को बनाते हैं। कौन? तो सनलाइट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये सभी हैं आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो क्लाइमेट को बनाने का कार्य करते हैं। देखिए, जलवायु संबंधी कारक पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या, उनके वितरण, मेटाबॉलिज्म तथा व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि जैसे कि आपके हो गए क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइट, टेम्परेचर, तो वो पारिस्थितिक तंत्र में जीवों पर कैसे प्रभाव डालते हैं। ठीक है।